अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय पर ताला जड़ दिया और इस दौरान धरने पर बैठ गए। छात्रों ने नए कॉलेज के निर्माण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री ने कॉलेज की घोषणा की थी, लेकिन 7 सालों के बाद भी कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। राजकीय बॉयज स्कूल के 4 कमरों में चल रहा है, साथ ही कला और वाणिज्य संकाय कॉलेज में 6 कक्षाएं लगती है। उन्होंने मूलभूत सुविधा की भी कमी बताई है और कहा है कि वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आप कॉलेज पे ताला लगाया, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम योगेश भारद्वाज है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत का खेल आयाम का संयोजक हूँ। आज जो राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के विद्यार्थियों ने जो राजकीय महाविद्यालय को ताला लगाया, उसका मूल कारण ये है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की घोषणा 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसका घोषणा कोड 10292 है, परंतु आज 7 साल हो गए घोषणा किए हुए। महाविद्यालय को ना तो कोई ऐसी जगह मिली है जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा सके, और लगभग 5 साल से ये महाविद्यालय इस भवन में चलाया जा रहा है, विद्यालय भवन में, जहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, ज्योग्राफी लैब, लाइब्रेरी, इन सभी चीज़ों का अभाव है। इस महाविद्यालय में 2 कोर्स चलते हैं, BA और BCOM, लगभग 6 क्लासेज हैं, केवल 4 कमरे ही अलॉट किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। इतना गर्मी का समय है कि जब भी कोई दूसरा सब्जेक्ट की क्लास लगती है तो विद्यार्थियों को बाहर धूप के अंदर बैठना पड़ता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी कई बार प्रशासन को इस विषय पर ज्ञापन दिया है, परंतु आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंतिम में यही रास्ता, आंदोलन का रास्ता अपनाया है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक हम निरंतर धरने पर बैठे रहेंगे। आज ताला लगाया है, आज के दिन ये ताला लगाए रखेंगे और कल से हम निरंतर धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, जब तक राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी का भवन को ऐसी जगह स्थानांतरित नहीं किया जाता जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। मैं इस विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 क्लासेज चलती है, BA और BCOM, जिसमें 4 कमरे अलॉट किए गए हैं। उसमें विद्यार्थी अच्छे से पानी की व्यवस्था भी नहीं है इस कॉलेज में, और जो सरकार है उसने 19 जनवरी 2021 को अलॉट की थी ज़मीन, वो भी नहीं मिली, और फिर 2021 को ही 22 जनवरी को की थी, वो भी नहीं मिली है अब तक। हम इसको ताला लगाया है। यह ताला लगाने का कारण है कि हमें कोई ज़मीन या कोई दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित कर देंगे तो हम यह धरना छोड़ सकते हैं, नहीं तो यह धरना जारी रहेगा। आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज उनके चलते ही सर बेटियां रोड पे बैठी हुई है। ना इस कॉलेज में पानी की सुविधा है, महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय इसको दिया गया है हरियाणा में है, ना यहाँ पानी की सुविधा है। बच्चे को 4 क्लासेज ऑल आउट कर रखे हैं, जिसमें बच्चे के लिए ना बैठने के लिए बेंचेस है, बच्चे धूप में बैठते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कॉलेज है इसे मतलब कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, इसे नॉन मेडिकल जोन से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि हमारा भविष्य आगे बढ़ सके। अगर हरियाणा सरकार ये करती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा धरना अनिश्चितकाल पर चलेगा। ताला भी लगाएगा और ये ताला जब तक लगा रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी।